हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवीर देतीमन। डीपीएस शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट आ चुकी है, नया एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है। 10 दिन तक जो है वो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, यूडीसी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। पीजीटी में सभी सब्जेक्ट के लिए सैलरी काफ़ी अच्छी है और 85,556 सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट टीजीटी लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे स्केल रहने वाली है 80,993 और पीआरटी के लिए यहाँ पर सैलरी 64,938। यूडीसी में यहाँ पर सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी 48,207। जो यहाँ सैलरी लिखी है वही पेमेंट जो है वो आप लोगों को दिया जाता है। परमानेंट पोस्ट है ये, दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है, स्थायी नौकरी है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ जो है यहाँ पर परमानेंट पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिटेल में नोटिफिकेशन देखें, अंत तक बने रहें ताकि सारी चीजें जो है वो आप लोगों को पता लग सके, कोई भी चीज मिस ना हो। तो ये जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज से वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में है ये और यही जो है इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे होते हैं, ऐसी वैकेंसी आए डीपीएस की इतनी अच्छी सैलरी के साथ, परमानेंट अगर वैकेंसी आती है तो हम जरूर अप्लाई करेंगे। अभी सब्जेक्ट देख लेते हैं। पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की है, पीजीटी साइकोलॉजी भी है, फिजिकल एजुकेशन की है। उसके बाद टीजीटी में देखते हैं फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट पीआरटी में मैथ्स की वैकेंसी है और पीआरटी जनरल की वैकेंसी है। जनरल में यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। यूडीसी की यहाँ पर वैकेंसी है क्लर्क की और सैलरी जो है मैंने आप लोगों के सामने थंबनेल में लिख ही दी थी, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को सैलरी यहाँ पर मिलेगी। और पीजीटी में सैलरी जो है लेवल 8 के अकॉर्डिंग, टीजीटी में 7 के अकॉर्डिंग, लेवल 6 के अकॉर्डिंग पीआरटी में और लेवल 4 के अकॉर्डिंग यूडीसी में, यानी 48,000 से लेकर जो है 85,556 यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। एज लिमिट क्या रहेगी तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल के अकॉर्डिंग जो है एज लिमिट रहने वाली है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो क्या लिखी है तो पीजीटी में आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड फर्स्ट या सेकंड डिवीजन चलेगा। टीजीटी के लिए यहाँ कहा है यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, टीजीटी में भी बीएड फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन के साथ, टीजीटी में साथ में सीटेट क्वालिफाई मांगा गया है। पीआरटी के लिए इन्होंने कहा है यानी सभी जितने भी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है वहां पोस्ट ग्रेजुएशन ही चाहिए, मैथ्स में होनी चाहिए और बीएड फर्स्ट या सेकंड डिवीजन और पीआरटी के लिए सीटेट क्वालिफाई। पीआरटी में सीटेट 1 चाहिए और टीजीटी में सीटेट पेपर 2। उसके बाद जो है यहाँ पर यूडीसी की जो वैकेंसी है क्लर्क की पोस्ट की जो वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और मोस्टली जो है कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं तो वो यहाँ पर जो है सबसे सही रहता है उनके लिए ये जॉब, फर्स्ट या सेकंड डिवीजन, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 50 वर्ड पर मिनट, यानी अच्छी खासी जो है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता ही दी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उम्र रहेगी। अप्लाई आप लोगों को 10 दिन के अंदर कर देना है, यानी 19 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो 19 के बाद जो है 10 दिन और लगा लें, 29 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। 100 रुपये जो है यहाँ पर फीस आपकी लगने वाली है। फॉर्म कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल मेन वेबसाइट, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कैसे जो है फॉर्म डाउनलोड करना है, ये इसकी मेन वेबसाइट है। तो नोटिफिकेशन हम देख ही रहे हैं, यहीं पर आप लोगों को डाउनलोड करने को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं पर आप लोगों को मिलेगा। तो इसको जो है आप लोग फिल कर लेंगे, साथ में अपने सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, 10th के बाद की जितनी भी मार्कशीट हैं, डॉक्यूमेंट हैं, सभी जो है आप लोगों को अटेस्ट करनी है 100 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ में, और जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज के नाम का होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आप 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट स्कूल के नाम का नहीं बनवाते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज न्यू दिल्ली नहीं बनवाते हैं तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
अब चलिए सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, नोटिफिकेशन कंप्लीट, कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाना है, गूगल पे आप लिखेंगे DPS वसंत कुंज, तो मेन वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ये आपके पास जो है होम पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपके लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर सी पॉकेट 5 वसंत कुंज सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी जितनी भी हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सामने ही दिखाई दे रहा है, PGT मैथ्स इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन, TGT फिजिक्स इंग्लिश हिंदी फिजिकल एजुकेशन, PRT मैथ, PRT जनरल, UDC। बाकी लिखा है कि क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल प्लीज़ रेफर सिचुएशन वेकेंट 2023 इन स्कूल नोटिस बोर्ड, यानी जो हमने अभी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें चेक की हैं वो आप लोगों को सिचुएशन वीकेंड 2023 एक जो सेक्शन बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है स्कूल नोटिस बोर्ड का, उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के नीचे ही लिखा है स्कूल नोटिस बोर्ड, तो आप लोगों को सिचुएशन वीकेंड यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो है सिचुएशन वीकेंट यानी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग यहाँ ओपन करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ सकें। तो ये जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन, सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे और बाय पोस्ट या फिर स्कूल में जाकर आप लोग सबमिट करा सकते हैं। थर्ड नंबर पर UDC क्लिक हियर डाउनलोड फॉर्म जो है UDC के लिए है, ये अलग है, तो इसको आप जो है डाउनलोड करके इसको भर के भेज सकते हैं जो भी स्टूडेंट UDC यानी कि तो इस तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई है। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की जो है जॉब लग सके, अच्छी पोस्ट पर यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।